Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to sericulture. So stay tuned. Class start करने से पहले मैं आप सबको एक important information देना चाहूँगी. अगर आप IFCO AGT exam की preparation कर रहे हैं तो आप हमारा course ले सकते हैं. इस course का fee है 1600 rupees. और अभी 60% ऑफ चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है आप सभी के लिए. इससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसमें आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो कोर्स है आपका एग्जाम तक रहेगा, ठीक है. और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है. इसमें आप 20 फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है. और यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से 25 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है जो कि बहुत अच्छा नंबर है. और इसमें से आप भी एक हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है. इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ जाइए, इस लिंक को विजिट करिए और वहाँ पे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी. नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी. या फिर अगर आप IBPS A4 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं. वो कोर्स आपको 1499 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे आपको मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है. और स्टडी यहाँ पे आपको इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बैंक रहेंगे, ठीक है. क्वेश्चन बैंक पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे. यहाँ पे आप 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है जो कि बहुत ही अच्छा है. और आप इसे आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को. इसके साथ ही साथ कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो टेस्ट सीरीज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है. अगेन इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है. वहाँ जाइए, विजिट करिए. नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये दिया जो गया नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी दोनों कोर्स की, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टिफनिंग, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किलिंग प्रोसेस ऑफ कैटरपिलर इनसाइड द वॉर्म, ठीक है. तो स्टिफनिंग सबसे पहले समझते क्या होता है. जो स्टिफनिंग है ना, ये हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं सर की जो प्यूपा होता है वो मर जाए कुकून के अंदर, ठीक है. मान लीजिए ये कुकन है, इसके अंदर जो प्यूपा है इसको हम लोग मार देते हैं सो दैट कि हम लोग वहाँ से क्या है फिर बाद में जाके सिल्क यहाँ से ले सके. अगर हम लोग प्यूपा को नहीं मारेंगे तो क्या होगा, तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, ये तो यहीं अंदर जिंदा रहेगा, तो हमें क्या होगा कि प्योरिटी से सिल्क नहीं मिल पाएगा. इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्योर करने के लिए उसको हम लोग मार देते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ जो कुकन है उसमें से सिल्क ऑब्टेन करते हैं और फिर ये तो डेड हो जाता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्टिफलिंग बोलते हैं, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इनसाइड द कोकून इज नोन एज स्टिफलिंग, ठीक है. तो जो स्टिफलिंग है ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड से की जाती है. जैसे कि हम लोग सन ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर हॉट एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं, या फिर स्टीम कर सकते हैं जिसमें हम लोग बॉइलिंग वाटर में डाल सकते हैं, या फिर हॉट एयर से हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है. और इससे क्या होता है, इसमें हम लोग ये भी हेल्प होता है कि अगर हम लोग प्यूपा को नहीं मारेंगे तो हो सकता है वो बाद में जाके एडल्ट में भी मौत एडल्ट में वो ग्रो हो जाए, ठीक है. उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, उसके इमर्जेंस को रोकने के लिए हम उसको मार देते हैं, ठीक है. सो दैट कि हमारा जो सिल्क है उसका ड्यूरेशन भी बना रहे, उसके साथ ही साथ जो प्यूपा है वो मर जाए तो वो आगे का स्टेज भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा और हमें सिल्क भी ऑब्टेन हो जाए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज रीलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है. रीलिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रीलिंग क्या होता है. रीलिंग क्या होता है, अनवाइंडिंग जो हम करते हैं फिलामेंट्स की फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कोकून, ठीक है, ऑन टू अ रील, उसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग, ठीक है. मान लीजिए कि ये हमारा कोकून है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे जो कोकून है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा सिल्क से लपेटा हुआ है. इसका जो हम लोग इस सिल्क को अगर हम जब निकालते हैं, ठीक है, अनवाइंडिंग करते हैं इस चीज़ को, तो अनवाइंडिंग मतलब क्या, हम उसको खोल रहे हैं, जो सिल्क जो सब एक जगह ग्रुप में है उसको हम लोग खोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है. इस टेक्नोलॉजी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का पूछ रहा है, लेकिन हम लोग विद द हेल्प ऑफ मशीन क्या करते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं ये कोकून की, सिल्क की, अब तो विद द हेल्प ऑफ द मशीन और सुधार के हमें मिल सके. और जो रीलिंग ऑफ सिल्क है ये हम लोग स्पेशल मशीन से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है चरखा, कॉटेज बेसिन, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टी एंड रीलिंग टेक्नोलॉजी. ये सब क्या रीलिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. ये सारे जो है तीनों चरखा, कॉटेज बेसिन एंड मल्टी एंड रीलिंग टेक्नोलॉजी, ये सब क्या रीलिंग प्रोसेस को करने के लिए यूज़ किया जाता है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीगमिंग. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ए बॉलिंग ऑफ सिल्क कोकून. ठीक है, बॉलिंग ऑफ सिल्क कोकून क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ डीगमिंग है. तो आप पहले जानते हैं कि डीगमिंग क्या होता है. ठीक है, डीगमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेरेसिन प्रोटीन होता है उसको हटा देते हैं. ठीक है, जो स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो सेरेसिन होता है वो क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है वाला सिल्कवॉर्म. और जो कि स्ट्रैंड, जो सिल्कवॉर्म का जो स्ट्रैंड होता है उसको टुगेदर होल्ड करता है, उसको क्या कहते हैं, वो गमी सब्सटेंस को हटा देते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीगमिंग. ठीक है, इसको हम लोग सिल्क स्कोरिंग के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या होता है कि हम लोग गम रिमूव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो सिल्क का जो क्वालिटी है, इसका जो लस्टर है, कलर है, टेक्स्चर है, ये इसमें इम्प्रूव हो जाता है. तो ये डीगमिंग का इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट है, इसलिए हम लोग डीगमिंग जो प्रेफर करते हैं. ठीक है, मेनली ये याद रखना है कि डीगमिंग मतलब क्या होता है, कि जो गमी सब्सटेंस होती है, मतलब कि जो सेरेसिन प्रोटीन है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं और लस्ट्रस बना देते हैं. तो ये हम लोग कैसे करते हैं, तो बाय बॉइलिंग द सिल्क कोकून. ठीक है, इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हम डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर सोप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम लोग बॉयल कर सकते हैं वाटर के साथ, तो इसमें भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डेनियर रिप्रेजेंट द वेट ऑफ विच प्रोडक्ट. जो डेनियर है ये एक तरह का यूनिट है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसका वेट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी सिल्क फिलामेंट. ठीक है, जो डेनियर है ना ये यूनिट है, क्या यूनिट है, किस चीज़ के लिए, ये क्या मेजर करता है, ये थिकनेस या फिर फाइननेस ऑफ सिल्क यार्न जो है ये मेजर करता है. ठीक है, जो वेट होता है 900 मीटर ऑफ थ्रेड का इन 1 ग्राम इज 1 डिनार. ठीक है, मतलब कि जो वेट होता है 9,000 मीटर ऑफ थ्रेड इन ग्राम, उसको हम लोग 1 डिनार बोलते हैं. और जो ये जो डिनार का वैल्यूज है वो वैरी करता है 1.7 to 2.8 ग्राम. ठीक है, तो ये मेनली सिल्क फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो डिनार यूनिट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिल्क वॉर्म सिक्रेट फाइबर मेड ऑफ. जो सिल्क वॉर्म है वो सिक्रेट करता है फाइबर. ठीक है, मतलब जो सिल्क वो किस चीज़ से बना होता है. ठीक है, तो इसका आंसर जगह सी प्रोटीन. ये प्रोटीन से बना होता है, जो सिल्क होता है वो हमारा प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन फाइबर से. यहाँ पे 2 प्रोटीन होते हैं. ठीक है, एक होता है सेरेसिन. ठीक है, एक होता है फिब्रोइन. जो सेरेसिन होता है वो 20% होता है, और जो फिब्रोइन होता है वो 80% होता है. ठीक है, मेजोरिटी इज फिब्रोइन. और जो सेरेसिन होता है वो वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन है, एंड जो हमारा फिब्रोइन है वो वाटर इनसॉल्यूबल प्रोटीन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रीलिंग ऑफ सिल्क इज. अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया था रीलिंग क्या होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर डी. इसका क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून. ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो सिल्क को हम लोग ये अनवाइंड करने पे फ्रॉम द कोकून. ठीक है, अनवाइंडिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीलिंग बोल रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, द इरी सिल्क वॉर्म इज एन. जो इरी सिल्क वॉर्म है वो कौन सा वोल्टाइन शो कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है. तो इसका आंसर होगा बी मल्टी वोल्टाइन. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मल्टी वोल्टाइन क्या होता है. मल्टी वोल्टाइन मतलब कि मोर देन 2 जनरेशन इन अ ईयर जो है वो प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वोल्टाइन. ठीक है, अब जानते हैं कि जो इरी सिल्क वॉर्म है ये किससे ऑप्टेन होता है. तो ये अटैकस रिसिनी जो है हमारा उससे ऑप्टेन होता है. ये साइंटिफिक नेम है इस पर्टिकुलर स्पीशीज का, अटैकस रिसिनी. ठीक है, और ये फैमिली सैचिनिडी से बिलोंग करता है. और ये जो इरी सिल्कवॉर्म है ये किसका होस्ट, मतलब किस पे होस्ट करता है, होस्ट प्लांट क्या है. तो यहाँ पे आ जाएगा कैस्टर लीव्स. ठीक है, मतलब ये कैस्टर लीव्स को खाता है सो दैट कि इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो. इरी सिल्क वॉर्म को हम लोग अरंडी सिल्क से भी जानते हैं, और जो इसका कंट्रीब्यूशन है ये 12% ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए साइड में और उसको रिवाइज करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इन द वर्ड यूनिवोल्टाइन वोल्टाइन स्टैंड फॉर. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो यूनिवोल्टाइन है, यहाँ पे वोल्टाइन किस पे स्टैंड करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रूड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये ब्रूड फ्रीक्वेंसी को स्टैंड करता है वोल्टाइन वर्ड. ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये यूनिवोल्टाइन क्या होता है. यूनिवोल्टाइन मतलब कि 1 जनरेशन इन अ ईयर. ठीक है, अगर कोई भी जो सिल्कॉम है अगर वो 1 जनरेशन शो करता है इन अ ईयर, तो उसको बोलते हैं यूनिवोल्टाइन. ठीक है, और ये जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब क्या होता है, ये इंडिकेशन है ऑफ द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ ईयर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्रूड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब क्या, ये दिखा रहा है कि एक ईयर में कितने जनरेशन ये लोग पास ऑन होते हैं, कितने जनरेशन शो करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन किसी ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे सेल फॉर्म इन अ ईयर, इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, मतलब कि ब्रूट फ्रीक्वेंसी.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड इन, ठीक है, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है डी बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर कहाँ, कर्नाटका में। ये स्टैब्लिश हुआ था कब, 1948 में, ठीक है, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज राइट सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट कूपन एक्टिविटी, ठीक है, क्या इसमें से कौन सा राइट सीक्वेंस है पोस्ट कूपन एक्टिविटी का, ये बोल रहा है। तो इसका आंसर है सी, सबसे पहले क्या होता है ट्विस्टिंग, ठीक है, उसके बाद होता है डीगमिंग, उसके बाद डाइंग, उसके बाद वीविंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्विस्टिंग में क्या करते हैं, जो सेवरल सिल्क स्ट्रैंड है उस वो क्या होता है, ईच टू थिन जो है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं ट्विस्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो थिकर बने, स्ट्रॉन्गर यार्न बने, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विस्ट है हम लोग वो ट्विस्ट करने से ताकि वो और मजबूत हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम डीगमिंग करते हैं, अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हम लोग उसके सेरेसिन प्रोटीन को हटा देते हैं, जो कि वो गमी सब्सटेंस जो रिलीज करता है उसको हटा देते हैं, तो क्या होता है वो और लस्ट्रस और शाइन करने लग जाता है वो सिल्क। तो हम लोग वो डीगमिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम लोग डाइंग करते हैं, उसको कलर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग बुनते हैं, वीविंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है पोस्ट कोकून एक्टिविटी का सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, मेजर पेस्ट इनमें से कौन सा है सिल्क वॉर्म का? इसका आंसर है बी उजी फ्लाई, जो उजी फ्लाई है ये मेजर पेस्ट है सिल्क वॉर्म का, ठीक है। चलिए उजी फ्लाई जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, एग्जोरिस्टा बॉम्बिसिस, ठीक है। ये सिम्टम्स क्या दिखाता है, तो इसके सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट जो है ना ये वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अगर अगर इफेक्टेड अगर ये हमारे जो सिल्कवॉर्म है अगर वो इफेक्ट हो जाता है उजी फ्लाई से, तो उसमें क्या होता है कि आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा, या फिर आपको काला धब्बा जैसा देखने को मिलेगा इन द बॉडी ऑफ सिल्कवॉर्म, ठीक है। नहीं तो आपको होल्स भी देखने को मिल सकते हैं, किसमें, कुकुन में, ठीक है, कुकुन में आपको जैसे कुकुन है यहाँ पे आपको होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, होल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम जो हमारा जो कुकुन है वो इन्फेस्ट हो गया उजी फ्लाई से, ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ डैश इन द कल्टीवेशन ऑफ सिल्कॉन, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा सी बैसिलस थ्यूरिंगस, इसमें कह रहा है कि वी शुड अवॉइड द यूज, हम लोग को इसमें से गिवन ऑप्शन से क्या अवॉइड करना चाहिए जब हम सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन करते हैं, तो हमें बैसिलस थ्यूरिंगस का बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इस पर जो है सिल्क वॉर्म पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 13, सिल्क इज प्रोडक्ट फ्रॉम डैश सेलिवरी ग्लैंड्स विच इज फाउंड ऑन डैश ऑफ अ सिल्क वॉर्म, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जो सिल्क जो एक जो प्रोडक्ट है जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है तो हमें सेलिवरी ग्लैंड से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेलिवरी ग्लैंड है ये पूछ रहा है, इसके बाद वो कहाँ प्रेजेंट रहता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, मतलब कि जो हमारा जो सिल्क वॉर्म जो सिल्क है जो सिल्क ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से, तो सिल्क वॉर्म में जो है वहाँ पे आपका टू सेलिवरी ग्लैंड देखने को मिलता है जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, डैश एंड डैश आर द टू मेन प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, ठीक है, टू मेन प्रोड्यूसर क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, पहला नंबर पे आता है चाइना, ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है सिल्क, उसका सेकंड नंबर पे जो आता है वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें चारों तरह के जो सिल्क है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें से भी मुगा सिल्क का मोनोपोली है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ममीफाइड प्यूपा इज ड्यू टू, ठीक है, जो ममीफाइड प्यूपा होता है सिल्कवॉर्म में जो डिजीज मिलता है वो किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर जगह बी मस्कडाइन, ठीक है, मस्कडाइन की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा ममीफाइड प्यूपा, ठीक है। जो मस्कडाइन डिजीज है ये एक तरह का क्या है, फंगल डिजीज, ठीक है, ये फंगस से होता है, तो ये एक तरह का क्या है, फंगल डिजीज है। इसके साथ ही जो है मस्कडाइन वो आपको तीन तरह का देखने को मिलेगा, व्हाइट मस्कडाइन, ग्रीन मस्कडाइन और येलो मस्कडाइन, ठीक है। और ये मैक्सिमम मेनली क्या किसको अटैक करता है, ये लार्वल या फिर प्यूपल या फिर एडल्ट स्टेज को जो है ये अटैक करता है ये फंगल डिजीज, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो डिजीज हो गया है, आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो लार्वा है वो अपना एपेटाइट लूज कर देगा, ठीक है, वो इनएक्टिव बन जाएगा और फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो इनएक्टिव और फ्लैसिड हो डेथ हो जाएगा उसका, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो हाइफा है वो उसके इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन से आपको देखने को मिलेगा कि बाहर आ गया है, ये सारे इसके सिम्टम्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द मुगा सिल्क वॉर्म इज स्पेसिफिक टू, ठीक है, जो मुगा सिल्क वॉर्म है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर डी, ठीक है, ये आपको असम में देखने को मिलेगा, क्या, मुगा सिल्क वॉर्म, ठीक है।
और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो मुगा सिल्कवॉर्म है, इसका जो साइंटिफिक नेम जिसे ये मिलता है वो क्या है, एंथेरिसिया असामेंसिस, ठीक है। इसका जो सचिनिडी है ये है इसका, और ये बिलोंग करता है लेप्डोप्टेरा से, ठीक है। और ये इसका जो होस्ट ट्री है मुगा सिल्कवॉर्म का, वो है आपका सोम है, और ठीक है उसके बाद आपको एक देखने का मिलेगा सोलू, ठीक है। सोलू जो है ये दोनों इसका होस्ट प्लांट है, और जो इंडिया है वो उसका मोनोपोली है मुगा सिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। और मुगा सिल्क को आपको जो है वो गोल्डन येलो कलर में मिलता है और देखने को मिलेगा, और ये जो है इसको आसाम सिल्क से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसका जो ये आपको मैक्सिमम मतलब आसाम में ही मिलेगा ये जो सिल्क है मुगा सिल्क, तो इसलिए इसको हम लोग आसाम सिल्क से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज राइट, ठीक है। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया गया, बोल रहा है कौन सा राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तसर सिल्कवॉर्म एंथेरिया माइलिटा, ठीक है। ये इसका जो साइंटिफिक नेम बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। चलिए और देख लेते हैं और उसमें क्या क्या गलत दे रखा है। जो हमारा ट्रॉपिकल तसर सिल्क होता है उसका तो होता है आपका एंथेरिया माइलिटा, ठीक है, ट्रॉपिकल। लेकिन जो टेम्परेट तसर सिल्क होता है इसका जो साइंटिफिक नेम आता है वो होता है एंथ्रिका प्रोसेली, ठीक है। मुगा सिल्क का क्या होता है, एंथेरिया असामेंसिस, ठीक है। और जो हमारा जो इरी सिल्क है, इरी सिल्क का होता है एथेरिकस अटैकस रिसिनी, ठीक है, अटैकस रिसिनी होगा। ये आप जो रेशम का जो दे रखा है यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, अटैकस रिसिनी, यहाँ पे मुगा का भी गलत दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रेसिया असामेंसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है वो आंसर ए ही सही है, एंथ्रेसिया माइलिटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18, द सिल्क ऑफ द सिल्क वॉर्म, ठीक है। जो सिल्क होता है सिल्क वॉर्म का वो कैसा होता है, ठीक है, तो वो एक कंटिन्यूअस फिलामेंट होता है, जिसका आंसर होगा बी कंटिन्यूअस फिलामेंट, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे जो कोकून, जैसे जो प्यूपा है वो एक बार जो बनाना स्टार्ट कर देता है तो वो एकदम कंटिन्यू ही बनाने लग जाता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। पूरा कंटिन्यू में आपको दिखेगा इसका फिलामेंट बना हुआ, ना कि आपको इसको डिसइंटीग्रेटेड या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब क्या, टूटा 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 में नहीं रहता, ये पूरा कंटिन्यूअस रहता है, एक बार जो बनाना स्टार्ट करता है पूरा बना के ही रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी कंटिन्यूअस फिलामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 19, विच इज डोमेस्टिक स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो सिल्क वॉर्म का डोमेस्टिक स्पीशीज है वो कौन है, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। जो बॉम्बिक्स मोरी है जो कि बिलोंग करता है बॉम्बे सिटी एंड लेपिडोप्टेरा से, ये आपका जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक स्पीशीज है। लेकिन जो हमारा जो ये है बॉम्बिक्स मैंडेरिना, ये क्या है, जो क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे चल जाएगा बी बॉम्बिक्स मैंडेरिना, ठीक है। जो कि क्यों जा रहा है ये, क्योंकि ये इसका जो है ये क्लोजेस्ट दिखाता है, क्लोजेस्ट इसका जो है रहता है रिलेटिव, इसलिए हम लोग का आंसर जाएगा बी। ऐसे जो हम लोग जानते हैं डोमेस्टिक स्पीशीज है वो होता है बॉम्बिक्स मॉरी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। और जो बॉम्बिक्स मैंडरिन है वो एक क्लोजेस्ट रिलेटिव है किसका, बॉम्बिक्स मॉरी का। सो द आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच स्पीशीज प्रोड्यूस सिल्क ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। अगेन कौन सा स्पीशीज जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा जगह आंसर बी बॉम्बिक्स मॉरी, ठीक है। जो बॉम्बिक्स मॉरी है ये सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये मेनली किस पे फीड करता है, मलबेरी लीव से फीड करता है, हम लोग इसको मलबेरी सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है 95% ऑफ द टोटल सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगेन मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी पहले कि ये बॉम्बे सिटी एंड लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। जो सिल्क है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है सी लार्वा, ठीक है। जो लार्वा है वो हमारा जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुकून इज फॉर्म बाय हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लैंड, ठीक है। जो कुकून है, जो कुकून बनता है वो कितने पेयर ऑफ ग्लैंड से बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू, ये टू पेयर ऑफ ग्लैंड से बनता है। जो एक पेयर है ग्लैंड का वो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन फिब्रोनिन फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि ट्विन फिलामेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अदर पेयर ऑफ ग्लैंड है वो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन सेरोसिन फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो दो तीन ट्विन फिलामेंट्स है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पे जो दो ग्लैंड है वो दो तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली सेरोसिन और फिब्रोइन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इरी सिल्क, ठीक है। कौन सा जो है वो इरी सिल्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी लावा फीड्स ऑन ओक लीव्स, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये ओक लीव से नहीं फीड करके ये कैस्टर लीव पे जो है ये फीड करता है, ठीक है।
ये तो बिल्कुल सही है कि जो अरीरी सिल्क है, हम लोग अरंडी सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली रेड कलर का होता है, ये बंगाल बिहार असम में प्रोड्यूस होता है, सही है। जो कुकून होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, व्हाइट रहते हैं, ठीक है। ये शानी रहते हैं, बट मलबरी सिल्क वॉर्म से कम शानी रहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो इरी सिल्क वॉर्म है, ये किस किस स्पीशीज से सीक्रेट होता है, तो अटैकस रिसनी, जो कि एक मल्टी वोल्टाइन सिल्क वॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। कितने स्टेजेस पाए जाते हैं सिल्क वॉर्म में, तो इसका आंसर रहेगा B, 4, ठीक है। टोटल 4 स्टेज होता है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले जो एग, पहले एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि 7 to 10 days रहता है। उसके बाद होता है लार्वा, जो कि 25 to 30 days रहता है। उसके बाद है प्यूपा, ठीक है, प्यूपा बोलिए या फिर आप सब यहाँ पे कुकून भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रहता है 8 to 10 days का स्टेज। उसके बाद आता है आपका एडल्ट, ठीक है। एडल्ट आता है जो कि 5 to 6 days का होता है। उसका जो एग लेकर आता है, जो कि 7 to 10 days का रहता है। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेज आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेजेस आ रहे हैं लाइफ साइकिल एंड सेल फॉर्म। तो इसका आंसर होगा B, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 25 क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो ऐसा सिल्क सिटी के नाम से नहीं जाना था, मतलब कि ऐसा कौन सा सिटी जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका आंसर जगह सी, भागलपुर, ठीक है। भागलपुर में कोई सिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। आपको जयपुर में सिल्क देखने को मिलेगा, कांचीपुरम में देखने को मिलेगा, पोचामपली को देखने को मिलेगा, बट भागलपुर में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जगह सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द सिल्क वॉर्म स्पिन कुकून आफ्टर, जो सिल्क वॉर्म स्पिन है, जो सिल्क वॉर्म है वो स्पिन करता है कुकून कब, तो इसका आंसर जगह ए, आफ्टर 4th मॉल्ट, ठीक है। 4th मॉल्ट के बाद जो है वो जो सिल्क वॉर्म है वो कुकून बनाना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे, मतलब जो स्किन का सिल्क का जो प्रोडक्शन वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पेब्रीन इज अ डैश डिजीज ऑफ बी मॉरी, मतलब बॉम्बिक्स मॉरी का जो है ये पेब्रीन डिजीज होता है, ठीक है। तो ये कौन किस टाइप का डिजीज है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटोजोअन, ठीक है। जो पेब्रीन डिजीज है ये एक तरह का क्या, प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोअन डिजीज है जिसका हम लोग बोल सकते हैं नोसेमा बॉम्बिसिस, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है नोसेमा बॉम्बिसिस, जो है काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेब्रीन को हम लोग पेपर डिजीज और या फिर बॉम्बिसल डिजीज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्लैक पेपर लाइक स्पॉट्स फॉर्म कर देता है कहाँ पे, तो सिल्क वॉर्म के बॉडी में, ठीक है। हम लोग इसको चेक करते हैं, इस डिजीज को हम लोग चेक करते हैं बाय द मदर माउथ एग्जामिनेशन, ठीक है। मदर माउथ एग्जामिनेशन हम लोग करके पता लगाते हैं कि किसी सिल्क वॉर्म को जो है ये पेब्रीन डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन 28। द मिशन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड फॉर्म हुआ है 1948 में, ठीक है। तो ये आपका इसका कब जो है इसका क्या मिशन है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। इसका मिशन क्या क्या है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है मेक कंटिन्यूस एफर्ट्स इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका क्या है कि पहला मिशन ये है कि ये पूरा एफर्ट डाले कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसका सेकेंड कह रहा है स्टेट टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव लेवल्स ऑफ इनकम इन सेरिकल्चर थ्रू स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक सेरिकल्चर प्रैक्टिस, मतलब कह रहे हैं कि और अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इनकम लेवल को बढ़ाना इन सेरिकल्चर, कैसे कर सकता है ये सब, सो दैट कि हम लोग साइंटिफिक सेरिकल्चर प्रैक्टिस करें, सबसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। ये इसका मिशन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्ट्रेंथन लेवल ऑफ एफिशिएंसी थ्रू कमिटमेंट टू क्वालिटी, ठीक है। हम अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाले सिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा क्या एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ये भी हमारा मिशन था इसका, इसलिए आंसर हो जाएगा 28 का डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 29। विच इज द पोस्ट कुपन एक्टिविटी, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है पोस्ट कुपन एक्टिविटी है, तो स्टिफलिंग है, रिलिंग है, स्पिनिंग, ये तीनों जो है ये तीनों पोस्ट कुपन एक्टिविटी है। तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि स्टिफलिंग क्या होता है, स्टिफलिंग मतलब किलिंग ऑफ प्यूपा इनसाइड द कुपन इज नोन एज स्टिफलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टिफलिंग बोलते हैं। रिलिंग क्या होता है, जब हम लोग सिल्क को अनवाइंड करते हैं फ्रॉम द कुपन, उस प्रोसेस को हम लोग रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पिनिंग क्या करते हैं, जब हम लोग जो लास्ट में जब हम लोग स्पिन करते हैं सिल्क वॉर्म को, सिल्क को स्पिन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कुकुन, तो सोलो स्पिनिंग बोलते हैं। ये तीनों जो है ये पोस्ट कुकुन एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 30। इन विच प्रोसेस सिल्क गेन्स वेट, ठीक है। किस प्रोसेस में सिल्क जो है वो वेट गेन कर लेता है, इसका आंसर होगा बी, प्रोसेस ऑफ वेटिंग।
डिगमिंग में क्या होता है कि डिगमिंग में हमारा जो सिल्क का वेट है वो लूज होता है, ठीक है। कैसे, जो डिगमिंग है इसमें क्या होता है, जो सेरेसिन प्रोटीन है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं विद हेल्प ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर प्रोटीन हट रहा है तो सीधी सी बात है उसमें कुछ ना कुछ वेट तो घटेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे जो डिगमिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे वेट लूज होता है। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ वेटिंग है यहाँ पे क्या होता है कि वेट यहाँ पे गेन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो वेटेड सिल्क है उसको क्या कहते हैं, ट्रीट कर देते हैं या फिर रीस्टोर कर देते हैं इसके वेट को, ठीक है। सो दैट की जो लॉस जो वेट हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिगमिंग वो वापस से वो वहाँ पे उसको आ जाए, ठीक है, और उसको और स्ट्रेंथ मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 31, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्क फाइबर। जो सिल्क फाइबर है हमारा उसका क्या डेंसिटी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है सी, 1.64 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपको रटना है, आपको याद रखना होगा। एक अगेन एक नोटबुक लीजिए, वहाँ पे आप सारे डाटा वाला क्वेश्चन लिखिए, उसको रिवाइज करिए टाइम टाइम, तभी आपको याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन में जो है एग्जाम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज होएगा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सिल्क फाइबर है कितना है, 1.64 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 32, पिंक मेली बग इज द पेस्ट ऑफ विच होस्ट प्लांट। ठीक है, जो पिंक मेली बग है वो एक तरह का पेस्ट है, तो वो किसका होस्ट प्लांट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मलबेरी प्लांट। ठीक है, जो मलबेरी प्लांट है ये जो पिंक मेली बग है यहाँ पे इसको अटैक करता है। जो मलबेरी लीव्स होते हैं इस पर कौन फीड करता है, तो बॉम्बिक्स मॉरी जो सिल्क वर्म है वो वहाँ पे फीड करता है, ठीक है। और उसके वजह से वहाँ पे जो है मलबेरी सिल्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, विच इज नोन एज अ सिल्क इन द गम। ठीक है, जिसको हम लोग सिल्क इन द गम बोलते हैं। तो इसका आंसर जाएगा क्या, ए, रॉ सिल्क, ठीक है। तो जो जो सिल्क कंटेनिंग सेरेसीन है उसको हम लोग रॉ सिल्क बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसा सिल्क जहाँ पे आपका सेरेसीन मतलब कि जो कि स्टिकी प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग रॉ सिल्क बोल देते हैं, ठीक है। और ड्यूपियन सिल्क किसको बोलते हैं, तो सिल्क फिलामेंट रील आउट और डबल कोकोन इज नोन एज ड्यूपियन सिल्क, ठीक है। ऐसा सिल्क फिलामेंट जो कि रील आउट हुआ है वाला दो कोकोन से, ठीक है, डबल कोकोन से ऐसा सिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है सिल्क फिलामेंट उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूपियन सिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 34, व्हाट इज सिल्क सिल्क फिलिएचर। ठीक है, सिल्क फिलिएचर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट इज अ सिल्क फैक्ट्री। ठीक है, सिल्क फैक्ट्री होता है, ठीक है। फिलिएचर क्या होता है, फिलिएचर एक लार्ज फैक्ट्री है जहाँ पे जो है कोकून को रील किया जाता है, ठीक है। रीलिंग ऑफ कोकून जो है ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है रीलिंग ऑफ कोकून को करने के लिए एक बहुत बड़े फैक्ट्री में, तो एक तरह का ये सिल्क फैक्ट्री है, सिल्क फिलिएचर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इट इज सिल्क फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है, व्हाट इज सिल्क थ्रोइंग। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ए, सिल्क थ्रोइंग इज ट्विस्टिंग ऑफ सिल्क स्टैंड। ठीक है, सिल्क थ्रोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सिल्क स्टैंड उसको हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट की जो ऐसे तो अगर सिंगल स्टैंड लेंगे सिल्क का तो वो बहुत ज़्यादा वो पतला रहता है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करते हैं, दो तीन सिल्क के स्टैंड को लेते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं सो दैट की वो स्ट्रेंथ उसका गेन हो, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो सिल्क थ्रोइंग इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पे जो सिल्क है उसको वहाँ पे रील किया जाता है इनटू द स्किन, और उसको फिर उसको क्लीन करके और उसको ट्विस्ट करके फिर उसको हम लोग क्या हॉबिन बॉबिन में डालते हैं। बॉबिन एक तरह का जो मशीन पार्ट है उसको बॉबिन कह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग डालते हैं, इसको कहते हैं सिल्क थ्रोइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अनदर फॉलोइंग सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम। जो आसाम है उसमें वहाँ पे आपको किस टाइप का जो सिल्क है वो देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर लगा क्या, सी, मुगा सिल्क, ठीक है। मुगा सिल्क आपको आसाम में देखने को मिलता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है अगेन क्या होगा, एंथ्रेसिया असामेंसिस, जो फैमिली सैटर्नेडी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, सोम है। इसका होस्ट प्लांट है सोम या फिर आपको सोलू भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है एक तरह का पॉलीफेगस मॉथ है, पॉलीफेगस मॉथ आपको देखने को मिलता है ये सिल्क वर्म में, ठीक है। और सिल्क कलर जो होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये जो मुगा सिल्क है ना ये टोटल कितना, 1 to 2% जो है इसका टोटल प्रोडक्शन रहता है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 37, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो चार स्टेटमेंट दिया है इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। जो इसका पहला स्टेटमेंट है, लार्वल फॉर्म ऑफ मॉथ प्रोड्यूस सिल्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो लार्वा स्टेज होता है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म का, यही जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, सिल्क, बिल्कुल सही है, ठीक है।
उसके बाद क्या करा, जो सी ऑप्शन है, बाय बॉइलिंग सिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून ऑफ अ मॉथ, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है, जो सिल्क जो लपेटा हुआ रहता है कोकून में, ये क्या होता है, थोड़ा सा लूज हो जाता है, लूज होता है तो हम लोग उसको इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहेगा, बहुत ज़्यादा चिपका पड़ेगा तो हम लोग वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे बिना बॉयल किए हुए। तो क्या होता है, बॉइलिंग से क्या होता है, जो सिल्क होता है वो लूज हो जाता है, उसको हम लोग फिर ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो इसका जगह डी बोथ एन सी जो वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 38। द सिल्क वर्म लार्वा सीजेस टू ईट एंड बिगिन स्पिनिंग सिल्क ऑल ओवर इट्स बॉडी, ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो आंसर जो है 38 का बी, ठीक है, जब जो अंदर में जो प्यूपा होता है, ठीक है, जो प्यूपा होता है वो जो सिल्क बनाना स्टार्ट करता है वो क्या आउटसाइड से बनाता है, मतलब बाहर से बनाता है टू इनसाइड, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर बनाता है, ना कि अंदर से बाहर की ओर, अगर अंदर से बाहर की ओर बनाएगा तो खुद ही फंस जाएगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है, तो ये अगर जब बाहर से बनाएगा तभी ये ठीक से बना पाएगा, ये फंसेगा नहीं, तो इसलिए इसका जो प्रोसेस था सिल्क वर्म का जो लार्वा का जो प्रोसेस था सिल्क बनाने का, स्पिनिंग करने का, तो ये फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 39। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट बॉम्बिक्स मॉरी, ठीक है, जो एडल्ट स्टेज है बॉम्बिक्स मॉरी का, इसका कितना लाइफ स्पैन है, तो इसका आंसर होगा बी 3 to 4 days, ठीक है, 3 to 4 days ये जिंदा रहता है, उसका ये मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया है इसमें जो है किस कितने टाइप ऑफ सिल्क को कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बी 4, ठीक है, इंडिया में जो है वो चारों तरह का सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मात्र इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मलबेरी सिल्क वर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कर्नाटक का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फिर तसर सिल्क वर्म जो कि झारखंड में जाता है, उसका मूंगा सिल्क वर्म जो कि आपको असम में देखने को मिलेगा, उसका लास्ट है एडी सिल्क वर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वॉज स्टैब्लिश इन, ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी आप जस्ट अभी अभी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, आई होप आप इसका आंसर सही दे रहे होंगे, इसका आंसर जगह सी 1948, ठीक है, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 42। द विजन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज, ठीक है, जो विजन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का वो क्या है, तो 42 का आंसर जगह बी सी इंडिया इमर्ज एज अ लीडर इन द वर्ल्ड मार्केट ऑफ सिल्क, ठीक है, ये विजन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का कि जो इंडिया है एक इसको ऐसा कंट्री बनाना है जो कि वर्ल्ड मार्केट में जो सिल्क है वो लीडर है, मतलब नंबर वन रहे इंडिया सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में, ठीक है, ये इसका विजन है, किसका, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1948 में और हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सलाइवा बाय द सिल्क वर्म में, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था सलाइवा में, किसका सलाइवा, तो सिल्क वर्म का सलाइवा, तो कैसा होता है, तो आंसर जगह फिगर 8, ठीक है, जो सलाइवा है वहाँ पे आपको इस तरह का जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखने को मिलेगा फिगर 8 जैसा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जगह सी फिगर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यंग एज सिल्क वर्म, ठीक है, इसका आंसर जगह डी चौकी, चौकी जो है वो यंग एज सिल्क वर्म है, ठीक है, एक होता है चौकी रेयरिंग, क्या होता है यहाँ पे जो हम लोग रेयरिंग करते हैं यंग लार्वा ऑफ सिल्क वर्म का, जो कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इंस्टार इंक्लूडेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चौकी रेयरिंग, ठीक है, जो चौकी रेयरिंग है ये 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर में जो है किया जाता है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको क्या कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, तो 80 to 90% जो है इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है, उसके बाद इसको लाइट की भी जरूरत होती है इस चौकी सिल्क वर्म को, तो लाइट इसमें कितना 15 से 30 लक्स देते हैं, मतलब कि 8 घंटा जो है वो हमें लाइट चाहिए और 16 आवर्स जो है हम लोग उसको डार्क मतलब अंधेरे में रखते हैं, ऐसा इसको कंडीशन चाहिए होता है जब हम लोग उसको रेयरिंग करते हैं यंग एज सिल्क वर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 45 कह रहा है, हनी सिल्क एंड लैक आर, ठीक है, जो हनी सिल्क लैक है उसको वो कह रहा है कि क्या है, इसका आंसर जाएगा क्या, सी सिक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट कहीं ना कहीं ये इंसेक्ट से सिक्रेट होता है, हनी जो है हनी बी से मिलता है, सिल्क है सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, लैक जो है ये लैक इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है, ये सब जो तीनों है हनी सिल्क लैक ये तीनों क्या इंसेक्ट के प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, तो सिक्रेटरी सब्सटेंस जो वो रिलीज करता है उसके वो प्रोडक्ट है, तो यही कह रहा है जो हनी सिल्क एंड लैक है वो सिक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है, आंसर 45 का सी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसेक्ट्स नॉट फाउंड इन वाइल्ड स्टेट, ठीक है, कौन सा इंसेक्ट है जो कि वाइल्ड स्टेट में नहीं मिलता है। अगेन इसका आंसर आएगा क्या, आंसर सी सिल्क मॉथ। ठीक है, जो सिल्क मॉथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत टाइप का रहता है, ज़्यादा इनएक्टिव टाइप का रहता है, ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, अपनी जगह रहता है। ठीक है, लेकिन वही जो आपका और जो बाकी हनी बी वगैरह है वो सब एकदम उड़ते हैं, वाइल्ड स्टेट में रहते हैं, काट वाट लेते हैं, लेकिन सिल्क मॉथ जो है वो एकदम हार्मलेस है ह्यूमन बींग के लिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉट फाउंड इन वाइल्ड स्टेट। तो इसका आंसर होगा सी सिल्क मॉथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ मलबेरी सिल्क मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है वो मलबेरी सिल्क नहीं प्रोड्यूस करता है, ध्यान देखिए मलबेरी सिल्क। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, ए आसाम। जो आसाम है यहाँ पे मेनली आपको मूगा सिल्क देखने को मिलेगा, मूगा सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादातर आसाम में। ठीक है, और यहाँ पे मलबेरी सिल्क का यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, क्या कहता है, जब हम लोग सिल्क वर्म को ऑब्टेन जब सिल्क हम लोग ऑब्टेन करते हैं किससे, सिल्क से, जब सिल्क को ऑब्टेन करते हैं सिल्क वर्म से, तो उसके उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर सी सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर जो है एक तरह का प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिल्क वर्म, उससे कल्टिवेशन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क इज नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, कौन सा जो सिल्क का वेराइटीज है वो नहीं इंडिया में प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा डी अमेरिकन सिल्क। ठीक है, हमारे इंडिया में मुगा सिल्क मिलता है जो कि आसाम में रहता है, मलबेरी सिल्क, ठीक है, साउथ में आपको मिल जाएगा तसर सिल्क, ठीक है, आपको इधर झारखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिकन सिल्क जो है ये इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ठीक है, जो सेंट्रल तसर रिसर्च है ये कहाँ पे लोकेटेड है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसका आंसर रहेगा सी रांची। ठीक है, ये रांची झारखंड में नामकुम साइड जो है एरिया में ये लोकेटेड है, ये वाला इंस्टीट्यूट, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको, बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और फिर टैली करिए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना नहीं, आप कितना लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे भी अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या होगा कि आपको पीडीएफ्स मिले जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे और बाकी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो कि आपको ईजी करेंगे कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज़रूर ले, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स है जो यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे और बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलेगा और बाकी सारे जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ज़रूर कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।